यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी को और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी यहाँ पर नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी गवर्नमेंट जॉब में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक परीक्षा, जिसे हम बार्क 2 के नाम से भी जानते हैं, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर केवल हम साइंस सब्जेक्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को मालूम है कि साइंस का एग्ज़ाम पिछले 7 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया है और दोस्तों 7 शिफ्टों में बहुत से स्टूडेंट के अंक जो हैं कम भी आए हैं, किसी शिफ्ट में ज़्यादा भी आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई शिफ्ट नॉर्मल रही है, कोई शिफ्ट हार्ड रही है और किस कोई शिफ्ट है जो कि ईजी भी देखने को मिली है। तो दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन होना तय है और जो शिफ्ट हार्ड रही है उसके यहाँ पर मार्क्स बढ़ेंगे और दोस्तों यहाँ पर 5 से 6 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं सबसे टफेस्ट शिफ्ट के। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि इस कट ऑफ को बनाने का सोर्स क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स और दोस्तों व्हाट्सएप पर आए हुए मैसेजेस के आधार पर यह कट ऑफ तैयार की गई है। तो यह केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको फाइनल फाइनल नहीं माना जा सकता और फाइनल कट ऑफ इससे हो सकता है कुछ अंक आगे रहे, कुछ अंक पीछे रह सकती है। तो दोस्तों, एक अनुमानों के मुताबिक आपको यह कट ऑफ बताई जा रही है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं डायरेक्ट कट ऑफ की। दोस्तों, यदि हम कट ऑफ की बात करें यहाँ पर, तो मेल और फीमेल की दोनों के यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है। साथ में आपकी गेस्ट टीचर जो है उनकी भी कट ऑफ अलग रहेगी और दोस्तों यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग से वैकेंसी, अलग से पद रहती है, तो उनकी कट ऑफ भी यहाँ पर अलग रहेगी। दोस्तों यहाँ पर गेस्ट टीचर की ही बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। तो 10 जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपके सामने है दोस्तों। जो विज्ञान सब्जेक्ट की कट ऑफ है वो मेल में 105 से 110 के बीच में रहने का अनुमान है। यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट के कमेंट्स इसी के बीच में आए हैं। तो दोस्तों इसके मेल की कट ऑफ 105 से 110 के बीच में रहने का अनुमान है और दोस्तों फीमेल की कट ऑफ यहाँ पर 103 से 100 अंकों तक रह सकती है। ठीक है, फीमेल की कट ऑफ यहाँ पर 103 से 107 अंकों तक रह सकती है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पर ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो 95 से यहाँ पर 100 मार्क्स तक रह सकती है। अब यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट के लिए बताई जा रही है और दोस्तों फीमेल की बात करें तो यहाँ पर तो 91 से 95 तक रह सकती है ओबीसी की कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो 85 से 88 तक रह सकती है आपकी मेल में और 80 से 85 तक रह सकती है आपकी फीमेल में। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों एसटी कैटेगरी जो कि हमारी लास्ट है, तो इसकी 80 से 85 तक रह सकती है मेल की और 78 से 83 रह सकती है यहाँ पर फीमेल की। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अतिथि शिक्षक की। तो किसी भी कैटेगरी में यदि अतिथि शिक्षक में यहाँ अतिथि शिक्षक ने यहाँ पर 85 नंबर से 90 नंबर गेन किए हैं दोस्तों, 85 से 90 नंबर यदि आप लाने में सफल हो पाए हो तो आपके यहाँ पर सेलेक्ट होने के 90% चांस बन जाते हैं। ठीक है, बात थोड़ी अतिथि शिक्षक की, तो 85 से 90 मार्क्स यदि आपने किसी भी सेक्टर में लाए हैं तो आपके यहाँ पर 90% सेलेक्ट होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ, यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ से कुछ आगे, 1 अंक आगे 1 अंक पीछे रह सकती है। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बेल लाल बटन पर क्लिक करना होगा, उसके बाजू में बेल आइकन आएगा तो उसे भी आप दबा दें ताकि जब भी आपका नई वीडियो अपलोड हो तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।